हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया इन द किचन। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने वेट को लॉस करना चाहते हैं, जो अपने शुगर लेवल को नॉर्मल रखना चाहते हैं और साथ ही साथ जो हेल्दी डाइट लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। और मैंने जो इन्ग्रीडियंट इसमें यूज़ किया है उसके बारे में भी और उसके फ़ायदे के बारे में भी आपको आगे बताऊँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इंग्रेडिएंट देख लो और अंत तक बने रहो। यहाँ पे मैंने मशरूम लिया है, ये 200 ग्राम मशरूम है, मार्केट में बहुत इजी अवेलेबल हो जाता है और ये मशरूम बिल्कुल फ्रेश है। इसके बाद मैंने यहाँ पे चॉप किए हुए अनियंस लिए हैं, ये एक मीडियम साइज का अनियंस है। उसके बाद मैं ले रही हूँ लहसुन की 5 से 6 कलियां, जिसे रफली चॉप कर लिया है। आफ्टर देन मैं ले रही हूँ धनिया की पत्ती, धनिया पत्ती को भी मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया है, जिसे रफली चॉप कर लिया है। और आफ्टर देन ब्लैक सॉल्ट एंड व्हाइट सॉल्ट। उसके बाद मैं ले रही हूँ क्रश किए हुए काली मिर्च, आप इसकी जगह पे पाउडर भी ले सकते हो, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आफ्टर देन मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, उसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल ऐड किया है। आप कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हो और अगर आप डाइट नहीं कर रहे हो तो आप बटर भी यूज कर सकते हो, बट ऑलिव ऑयल वेट लॉस के लिए काफी अच्छा होता है। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे मैं लहसुन जो मैंने रफली चॉप किया था डालकर 2 से 3 बार बस इसे चलाना है। उसके बाद अनियंस को मैं ऐड कर रही हूँ, टेम्परेचर को बिल्कुल कम कर रही हूँ क्योंकि मैं मशरूम चॉप करूंगी और चॉप करते हुए ही मशरूम के गुण्स को जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो मशरूम को सबसे पहले मैं हाफ कट कर रही हूँ, आफ्टर देन मैं स्लाइस में कट कर रही हूँ। आप इसे चाहो तो रफली चॉप भी कर सकते हो, बट मशरूम जब आप फ्राई करोगे और ये बॉयल हो जाएगा तो इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है और ये सिकुड़ जाता है, दैट मीन्स साइज में छोटा हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसे बड़े टुकड़ों में कट किया है। जब इसे पीने के बाद मुंह में आता है मशरूम तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, काफ़ी टेस्टी लगती है। तो चलो मैं मशरूम के गुण को बता देती हूँ। इसमें ना एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे वेट को लॉस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, साथ ही साथ ये हमारे इम्यूनिटी पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। मशरूम में विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो जिनको विटामिन डी की कमी होती है वो भी इसे रेगुलर यूज़ में ले सकते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से ये वेट लॉस तो करता ही है और डायबिटिक के ब्लड शुगर को भी नॉर्मल रखता है। साथ ही साथ इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो जिसको इसको खाने से ना भूख कम लगती है और ऑब्वियसली बात है आपको भूख कम लगेगी तो वेट लॉस होगा ही। साथ ही साथ इससे स्किन और हेयर भी बहुत अच्छे ग्लो करते हैं, हेयर ग्रो होता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लें। तो आप देख सकते हो अनियन जो है वो कलर चेंज हो गया है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चॉप किए हुए मशरूम्स। अनियंस को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसके बाद ना मशरूम को चलाते रहना है, आप खुद देखोगे कि जब इसे चला रहे हो तो मशरूम की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और जब ये धीरे धीरे फ्राई होगा तो इसकी जो है थोड़ा सा पानी छोड़ने लगेगा। टेम्परेचर को मैंने अभी फिलहाल 1000 पे रखा है। साथ ही साथ मैं अभी ही धनिया की पत्ती ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो लास्ट में भी ऐड कर सकते हो, बट धनिया पत्ती मैंने अभी इसलिए ऐड किया क्योंकि ये भी हमारे वेट लॉस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और अभी ऐड करने से इसके जो गुण होते हैं वो अच्छे से फ्राई होंगे, तो पानी के साथ और मशरूम के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया है क्योंकि मैंने ऑयल का काफ़ी कम यूज़ किया है, तो ये जल ना जाए इसकी वजह से मैंने टेम्परेचर को बिल्कुल कम कर दिया है। तो इसे लगातार चलाते रहना है अराउंड 5 से 7 मिनट। जब आप इसे भून लोगे तो आप देखोगे कि क्वांटिटी भी कम हो गई है और ये मशरूम जो है वो पानी भी छोड़ने लगा है, तो बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो अब ना यहाँ पे 2 कप मैं वाटर ऐड कर रही हूँ। मैं 2 लोगों के लिए सूप बना रही हूँ और 200 ग्राम मशरूम में मैं 2 कप वाटर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कप वाटर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे ना मैं ऐड करूँगी नमक, तो आप चाहो तो सिर्फ व्हाइट नमक या सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हो,
और चाहो तो ब्लैक एंड व्हाइट दोनों सॉल्ट यूज कर सकते हो। आप एक बार ट्राई करना, दोनों सॉल्ट डालने से सूप का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 2 टीस्पून मैं यहाँ पे व्हाइट सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। उसके बाद यहाँ पे मैं 1 टीस्पून क्रश किए हुए काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हो, ये हल्का तीखा सा फ्लेवर देगा। तो इसे आप चाहो तो क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अब इसे ना बॉयल आने तक का वेट करना है, जब अच्छे से बॉयल आ जाए तो उसके बाद इसे कवर करना है। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसे कवर करती हूँ जिससे कि इसमें बॉयल जल्दी आ जाए। तो कवर हटाकर दिखाती हूँ, इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो वंस अगेन मैं इसे कवर कर रही हूँ और कवर करने के बाद इसे 5 मिनट तक मैं बॉयल करूँगी। आप चाहो ना तो इसमें कॉर्नफ्लोर को भी घोल कर डाल सकते हो अगर आप डाइट नहीं कर रहे हो तो, बट ये स्पेशली डाइटिंग के लिए, वेट लॉस के लिए बनाया गया है, तो मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का यूज़ नहीं किया है। तो आप देख सकते हो सूप जो है वो बिल्कुल रेडी है और इसके मैंने गुण को भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और ऐसे ही लेटेस्ट अपकमिंग जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अपनी एक्सपीरियंस प्रिया इन द किचन के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।